आपका आईबीएनआई न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी के नगर चिरमिरी में प्याऊ जैसी समस्या संपूर्ण चिरमिरी क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में देखी जा रही थी, जहां दूर दूर तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था न होना क्षेत्र के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जबकि क्षेत्र में कई सामाजिक संस्था राजनीतिक दल है, किसी का ध्यान इस ओर नहीं कि श्रद्धा महिला मंडल चिरमिरी द्वारा हल्दीबाड़ी पेट्रोल पंप के पास प्याऊ की व्यवस्था कराकर एक सराहनीय का महिला मंडल द्वारा किया गया, क्योंकि क्षेत्र के कई स्थानों में इस तरह की प्याऊ की व्यवस्था महिला मंडल द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में महिला मंडल ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस बारे में बताते हुए कहा कि जरूरतमंदों को ठंडा और शीतल जल पीने को मिलेगा, जिसके लिए हम लोग संपूर्ण चिरमिरी क्षेत्र में अलग अलग प्याऊ की व्यवस्था आज खोलने जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को ठंडा शीतल जल पानी पीने को मिलेगा, जिसके देखरेख और पानी पिलाने के लिए लोगों को नियुक्त किया गया है। का नाम? मैं मनिका मंजरी जी, चिरमिरी क्षेत्र से। ये एनसीपीएच कॉलोनी की तरफ से प्याऊ का ये किया गया था जी, यहाँ बनाया गया था। तो इसमें सभी सार्वजनिक प्याऊ है, ये बस स्टैंड के पास लगाने का मेन मकसद यही था कि जो भी गर्मी के दिनों में प्यास से जो भी परेशान यात्रीगण आते हैं उन्हें थोड़ा सा राहत मिले जी। ये एक चीज बताइए, ये प्याऊ सिर्फ हल्दीबाड़ी में खुला कि और भी जगह आप खोलेंगे? नहीं नहीं, ये हमारे श्रद्धा महिला मंडल की तरफ से जी जी ये आयोजन किया गया है। इसमें हर एक क्षेत्र से जी, चिरमिरी क्षेत्र में जितने भी सब एरिया आते हैं जी, जैसे हमारा ये कुराशिया हो गया जी, छोटी बाजार बड़ी बाजार जो जीएम कॉम्प्लेक्स है, सभी जगह ये प्याऊ का खुलना अनिवार्य हो गया है। और हम लोग ने इसकी देख रेख कौन करेगा? इसकी देख रेख के लिए हम लोगों ने एक आदमी का यहाँ पे इंतजाम किया है जी, जी। जो बकायदा डेली पानी भरेंगे जी। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, सुबह से कितने बजे तक रहेगा वो? ये सुबह 8-9 बजे से रहेगा, 9 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक शिफ्ट में आदमी यहाँ काम करेंगे। और ये पानी की व्यवस्था कहाँ से कराएंगे आप? ये पानी की व्यवस्था हमारे अपने यूनिट से जो भी एनसीपीएच कॉलोनी से ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएनआई न्यूज के साथ। नमस्कार।